इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। तुम अपने टारगेट से बढ़कर काम करते हो उत्साह बढ़ता है, और जब भी तुम अपने टारगेट से कम काम करते हो उत्साह घटता है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कष्ट से ही आती है। डायरी मतलब डिसिप्लिन। तो ये काम करो, डायरी बनाओ और अपनी स्टेमिना को अपने हिसाब से आगे बढ़ाते चलो। तुमसे खेल रहा है और तुम उसको मजा दे रहे हो, तुमसे मजा ले रहा है, कभी तुमसे कह रहा है हिंदी रामधारी सिंह दिनकर और बढ़िया। तुम्हें अपने उस मन को मजबूत करना पड़े, वो तुम्हें बार बार भटका रहा है, उसे मजबूत करना है किसी भी कीमत पे। जय हिंद फ्रेंड्स। आज की जनरेशन को, आपकी तो जनरेशन थोड़ी सी आगे निकल गई, अब जो आ रही पीछे, इसका नाम रखा मैंने मैगी जनरेशन। दो मिनट तुम्हें, मैंने यही तो कहा, तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि हम सारा काम इसके बल पे करते हैं। कौन भटका रहा है? परिस्थिति कुछ नहीं आती इस दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा परिस्थिति खराब किसी पर सामने आई तो अब्राहम लिंकन, एपीजे कलाम, महात्मा गांधी, किसके सामने नहीं है? अगर हम यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर सबको अपनी अपनी कहानियां सुनानी पड़े तो सबके जीवन का एक हिस्सा दर्द का होगा, लेकिन फिर भी सारे टीचर्स स्कूल आते हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को कुछ फील नहीं होता होगा कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। ये तुम्हें कौन, एक आईपीएस ऑफिसर है आज, उनके बारे में सर्च करना, कर्नाटक कैडर के, रविचंदन वारा, पढ़ना उस आदमी के बारे में। मतलब जमीन के नीचे से शुरुआत करता है वो आदमी, और एक कर्नाटक कैडर का आईपीएस, और ड्रीम तो पता नहीं क्या क्या है। तुम्हें अपने उस मन को मजबूत करना पड़े, वो तुम्हें बार बार भटका रहा है, उसे मजबूत करना है किसी भी कीमत पे। सर मेरा नाम अक्षय दीक्षित है। सर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ, सेल्फ डाउटनेस कभी लगता पहाड़ पर ताल डालेंगे दुनिया हिला देंगे, ताकत टूटता नहीं कभी, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हो उसका बता। नहीं नहीं तुम अपने आप को कब, आज तक कभी आंख बंद करके अपने आप को समझने की कोशिश की? कितनी बार, एक घंटे आंख बंद करके बैठते हो? हाँ मैंने सुन इस बात को, बहुत अच्छी बात है। कहता कभी कभी मन होता है कि पहाड़ उठा लेंगे, और कभी कभी पत्थर नहीं उठता हाथ से। कितनी अच्छी, कितनी ईमानदारी से ये आदमी बात कह रहा है। तो सुनो क्या होता है उसमें, ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस, ये जो सारा ये मन ही तो है। हाँ वो ऐसे चलता है, ऐसे पैराबोला बनाता है, ऐसे विचार फेंकता है, विचार बस 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 इसको पकड़ लो। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और, इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। ये कोई सिगरेट पीता है तो उसे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत। अच्छा हम ही को समझा रहे हो? इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। तो अगर तुम 4 बजे उठ सकते हो, अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, मतलब तुम ताकतवर आदमी हो। हाँ सर, हटा देंगे। बस धीरे धीरे करो, 1 साल लगेगा। 14 साल में भगवान राम भगवान बने थे, मतलब भगवान बनने की विधि 14 साल है, 14 साल करना पड़ेगा। 1 साल में आईएएस, तो जितना साल बढ़ा 20 साल कर लोगे तो पता नहीं ब्रह्मांड ही तुम्हारे कब्जे में रहेगा। तो इस देश में तुम संत रविदास को सुनो, मन चंगा, मन पे बात कर रहे हैं। तुलसीदास ने क्या कहा, जाकी रही भावना जैसी। ये मन तो तुम्हें हर बार, तुम्हें शादी नहीं करने देगा। अगर 5-6 लड़कियां एक साथ खड़ी कर जाएं कि इसमें चुन लो, फिर डिस्टर्ब कर देगा तुमको कि नहीं, 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 नहीं। वो तुमसे खेल रहा है और तुम उसको मजा दे रहे हो, तुमसे मजा ले रहा है, कभी तुमसे कह रहा है हिंदी रामधारी सिंह दिनकर और बढ़िया, और तुम दिन भर बैठ के सोच रहे हो कि हाँ यार रामधारी सिंह। यही तो मैं कह रहा हूं, डिसीजन लेना है तुरंत। जिस दुकानदार के पास जब जाते हो कोई सामान लेने, अगर वो सामान उसके पास नहीं हो तो पता क्या कहता है, साहब आजकल इसकी सेल नहीं हो रही है, बड़ी शिकायत आ रही साहब। आप साहब एक काम करो, आप साहब ये नया प्रोडक्ट आया साहब बाजार में, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है साहब, तुम उससे पूछो कि जो मैं मांग रहा हूँ वो है क्या? तुम बिस्लरी की बॉटल मांगे, उसके पास नहीं है, कहेगा हिमालय का पानी ले लो। मैंने पूछा बिस्लरी है? कह रहा साहब बिस्लरी के पानी में बहुत शिकायत आ रही। मैंने कहा है कि नहीं? कहा भैया बिस्लरी नहीं, तो उसको मत खेलने दो, एक डिसीजन लो। और जितना बड़ा एंबिशन होगा उतना बड़ा खतरा होगा। खेल रहा है तुम्हारे साथ, कल से मत खेलने देना। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कष्ट से ही आती है। जैसे बैठ के मत पढ़ो, मैंने ये डाइस ले रखी थी, मैं इस पे पढ़ता था,
कम से कम 3 से 4 घंटे, 12 घंटे मत करना वरना स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अत मचाना शुरू कर देते हैं। बाबा रामदेव ने जब शुरू में बताना शुरू किया कि कपाल भाती करने से चेहरे पे चमक आती, एक भाई साहब ने 1.25 घंटा कर लिया, किडनी पलट गई, वो 2 महीने आईसीयू में रहे। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो, एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। आप 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा, यही तो उसका खेल है। कहेगा पूरा दिसंबर बैठ के पढ़ना है। जब तू, अगर यहां कुछ लोग बाहर के होंगे तो जब तुम अपने घर जाते होगे छुट्टी में तो एक किताब लेके जाता होगा कि घर चल रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे बैठ के। और जब तुम घर पहुंचते हो तो तुमसे क्या कहता है कि यार कानपुर में तो पढ़ ही रहे हो। पता लगा जितनी किताब लेके गए थे बिना खुले सब वापस आई है। छोटे छोटे वो बनाओ गोल, कहो 3 घंटा पढ़ेंगे। तो जब तुमने 3 घंटे का गोल बनाया और पढ़ गए 7 घंटा, कितना मजा आया उस दिन। जब भी तुम अपने टारगेट से बढ़कर काम करते हो उत्साह बढ़ता है, और जब भी तुम अपने टारगेट से कम काम करते हो उत्साह घटता है। तो जब तुम 10 घंटे का टारगेट बना के सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हो और यह प्रक्रिया 2 महीने चलती है तो तुम डिप्रेशन के शिकार धीरे धीरे होने लगते हो। इसलिए कम टारगेट बनाओ और ज्यादा आउटपुट निकालो और कष्ट दो अपने आप को। वही मैंने तब शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि वो तुम्हारी अचीवमेंट होगी, कोई कर नहीं पाएगा। वैसे बड़ी सारी संस्थाएं हैं जो डिसिप्लिन भी सिखाती लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। कि खुद को कंपीट कैसे करें और अपने आप को चैलेंज कैसे करें, क्यों हमें ही पता होता कि हमारे प्लस पॉइंट क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, तो हाउ टू चैलेंज आवरसेल्फ। देखो अगर आज तुम्हें दौड़ने के लिए कहा जाए तो कितने किलोमीटर दौड़ जाओगी? 1। लेकिन क्या तुम्हारी क्षमता सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने की है? नहीं, नहीं ना। अगर आज मैं तुमसे दौड़ने के लिए कहूं तो तुम सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ पाओगी, ऐसा तुम कह रही हो, लेकिन तुम्हारी क्षमता 50 किलोमीटर तक दौड़ने की है मिनिमम। मैं अब सुनो क्या करना है, आज तुम 1 किलोमीटर दौड़ी, 10 दिन 1 किलोमीटर ही दौड़ो, 11वें दिन तुम उसे 2 कर दो। स्टेमिना डेवलप हुआ? ऐसे जीवन में भी करना है। इस पे नजर रखने के लिए एक डायरी बगल में रखनी है। सीखने में टाइम लगता है, चाहे वो साइकिल चलाना सीखना हो और चाहे पढ़ना सीखना हो, उस टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा। साइकिल चला लेती हो? पहले दिन चलाने लगी थी? नहीं। जब तुम सीख जाओगी, अब तुम सीख गई तो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला रही हो। एक डायरी अपने पास रखो और उस डायरी को भगवान की तरह पूजा करो उसकी। तुम्हारा शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। जैसे आज तुम्हें मूवी देखने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन कल अगर तुम्हारा मूवी का शेड्यूल नहीं है तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है। इसलिए बचपन में स्कूल में हमें एक बड़ी प्यारी चीज मिली थी, डायरी। डायरी मतलब डिसिप्लिन। तो ये काम करो, डायरी बनाओ और अपनी स्टेमिना को अपने हिसाब से आगे बढ़ाते चले जाओ।